झांसी में थाना उल्दन क्षेत्र के ग्राम हाटी के पास एक बस पलट गई है। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई। बस सवारियों को लेकर के टहरौली से निवाड़ी के लिए जा रही थी। जैसे ही बस हाटी गांव से आगे निकली तभी अचानक से एक स्कूल बस सामने आ गई, जिससे सवारी से भरी बस अनियंत्रित होकर के खाई में जाकर पलट गई। बस के पलटते ही चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बस में फंसे लोगों को कांच तोड़कर खिड़की से बाहर निकाला। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष बच्चे घायल हुए। एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टहरौली पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई। वहीं पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आज दिनांक 3/8/2024 को थाना उल्दन क्षेत्र में एक प्राइवेट बस जो टहरौली से निवाड़ी जा रही थी, सक्रिय पुलिया होने की वजह से ग्राम नोटा और ग्राम हाटी के बीच में सड़क किनारे पलट गई है। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।